इट इज ए मस्कुलो फाइब्रस एंड टेंडिनस स्ट्रक्चर विच सेपरेट द थोरेसिक कैविटी टू एब्डोमिनल कैविटी। चुप हो जाओ, क्या बीमारी है, समझ ही नहीं आता। इट इज ए सेपरेशन बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, विच इज फॉर्म बाय द मसल टेंडन एंड फाइबर। इट इज ए मस्कुलो फाइब्रो टेंडिनस स्ट्रक्चर विच सेपरेट द थोरेसिक कैविटी टू एब्डोमिनल कैविटी। लास्ट बेंच देखो, अच्छा नहीं लगता आप लोगों को बाहर पकाएं रोजाना रोजाना, है ना। आप लोग थोड़ा शांति से बैठ जाओ और पढ़ लो, है ना। ये पंकज सर ने भी काफी बोल दिया आपको, इतने सीनियर पर्सन आप लोग समझते नहीं हो क्या है ऐसा ऐसा। अब क्लास में बैठो थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, 15-20 मिनट की क्लास है, अभी वैसे लेट हो गए आप। छोटा टॉपिक है, आराम से बैठ जाओ, इम्पोर्टेंट है बट, ठीक है ना। इट इज ए कीप क्वाइट प्लीज, अदरवाइज आई विल क्विट द क्लास। छोड़ दूं, छोड़ दूं पक्का, तो बैठ जाओ ना शांति से, क्या हो रहा है। जा ऐसे क्या इरिटेशन होती है टीचर को, पता है आपको, बार बार करने से। मैं किसी को निकालता नहीं क्लास से, ना किसी को डांटता हूँ, ऐसे आप लोगों ने देखा ही है, बट ये चीजें बहुत इरिटेट करती हैं। फिर डायफ्राम सेपरेट द थोरेसिक कैविटी हार्ट लंग एंड रिब फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी एंड परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द रेस्पिरेशन। दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द डायफ्राम। इसमें सारा कंक्लूड है, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर ध्यान दोगे आप 5 मिनट इसमें। वॉट इज द डायफ्राम? डायफ्राम इज ए मसल बेसिकली, इट ओरिजिनेट फ्रॉम स्टर्नम कोस्टल कार्टिलेज एंड लंबार वर्टिब्री। जैसे मसल का ओरिजिन देखते हैं ना, तो 3 ओरिजिन है इसके। इट अराइज फ्रॉम द स्टर्नम और द G4 प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज और द रिब एंड लंबार वर्टिब्री। डायफ्राम पे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 ओरिजिन इसमें लिखने हैं। फर्स्ट G4 प्रोसेस और द एक्सटर्नल ओरिजिन, सेकंड इज रिब्स और द कोस्टल ओरिजिन, ठीक है, एंड थर्ड इज लंबार ओरिजिन, ठीक है। तो अब इस डायग्राम में आप देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज दिस इज द एक्सटर्नम और द G4 प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। द टू टेंडन्स और द टू स्लीव्स अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ G4 प्रोसेस। टू स्लीव्स ऑफ द डायफ्राम अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ G4 प्रोसेस। फर्स्ट क्लियर है, क्लियर है फर्स्ट ओरिजिन। टू स्लीव्स ऑफ द डायफ्राम इज अराइज फ्रॉम posterior aspect of sternum or the G4 process of sternum, ठीक है, first origin. Then second is arise from the costal cartilage or the ribs, 7, 8, 9, 10, 11 and 12th rib, ठीक है, or we can say lower 6th rib, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. This is the 7th rib, 8, 9, 10, 11 and 12th rib. Second origin ho gaya. First is G4 process, posterior aspect of the G4 process. Second is lower 6th rib.
थर्ड इज लंबार वर्टिब्री, फर्स्ट लंबार वर्टिब्री, सेकंड लंबार वर्टिब्री एंड थर्ड लंबार वर्टिब्री। दीज आर द लंबार वर्टिब्री, फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लंबार वर्टिब्री। क्लियर है? द ओरिजिन ऑफ डायफ्राम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट इज जी फोर प्रोसेस, सेकंड इज कोस्टल कार्टिलेज, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 एंड लास्ट इज लंबार वर्टिब्री, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लंबार वर्टिब्री। क्लियर? ये तो हो गया ओरिजिन। क्या हुआ ये ओरिजिन एंड इंसर्शन, दिस इज द फ्लेयर पार्ट। ठीक है, कंप्लीटली। ठीक है, एंड इंसर्ट इन टू ए सिंगल सेंट्रल टेंडन, दिस इज द सेंट्रल टेंडन विच इज द ट्राइंगुलर इन शेप। ऑल द फाइबर्स ऑफ द डायफ्राम ओरिजिनेट फ्रॉम द जी फोर प्रोसेस, ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर एस्पेक्ट ऑफ द रिब्स और द कोस्टल कार्टिलेज, ओरिजिनेट फ्रॉम द लंबार वर्टिब्री, मर्ज एंड फाइनली इंसर्ट इन टू ए सेंट्रल टेंडन। दिस इज द इंसर्शन ऑफ डायफ्राम। क्लियर है? तो ये क्या थ्योरी पढ़ते रहते हो आप, समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करो यहाँ पे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसा कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। ओरिजिन, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओरिजिन, ठीक है, देन फाइबर मर्ज एंड इंसर्ट इन टू ए सेंट्रल टेंडन। ठीक है, सो दिस इज द सेंट्रल टेंडन, ग्रे कलर का टेंडन दिख रहा है आपको, इट इज ए ट्राइंगुलर इन शेप। ठीक है, सो ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम हैज टू क्रेस्ट, वन इज द राइट क्रेस्ट ऑफ द डायफ्राम एंड वन इज द लेफ्ट क्रेस्ट ऑफ द डायफ्राम और द क्रूराज, वी कैन ऑल्सो से क्रूराज ऑफ द डायफ्राम। दिस इज द राइट क्रेस्ट और द राइट क्रूर ऑफ द डायफ्राम, दिस इज द लेफ्ट क्रेस्ट ऑफ द डायफ्राम। दिस क्रेस्ट इज एक्सटेंड अप टू द L3 वर्टिब्री, ये MCQ क्वेश्चन है। राइट क्रेस्ट ऑफ द डायफ्राम extend up to the L3 vertebrae and left crest of the diaphragm is extend up to L2 vertebrae, right and left crest of the diaphragm, it is attached with the L1 L2 L3 right and left attached with the L1 and L2 vertebrae. Clear? The extension of right and left crest of the diaphragm. Okay. Then, कुछ इसमें टेंडन्स आते हैं, ठीक है, और लीगामेंट, सॉरी लीगामेंट्स होते हैं इसमें, आर्केट लीगामेंट बोलते हैं, आर्केट लीगामेंट ऑफ डायफ्राम। ठीक है, तो आपसे को कुछ व्हाट आर द आर्केट लीगामेंट ऑफ द डायफ्राम, तो हमें क्या बोलना है, फर्स्ट इज दिस इज द मीडियन आर्केट लीगामेंट, दिस इज द मीडियन आर्केट ligament, it is a fibrous tendon which situated just above the crura in the midline. These are the crura, right and left crura, it is situated just above the crura into midline. This is the median arcuate ligament. Kaun sa ligament hai? Median arcuate ligament. Is diagram mein pura diaphragm samajh mein aa jayega aapko, theek hai? This is the median arcuate ligament. Then two ligament aur hain isme, one is the medial arcuate ligament or other is the lateral arcuate ligament, median arcuate ligament or lateral arcuate ligament. The median arcuate ligament extend from the L2 vertebrae to L1 transverse process of the L1 vertebrae, transverse process of L1 vertebrae and above the transverse process of the L1 vertebrae to 12th rib. This is the lateral arcuate ligament. So, posterior abdominal wall में दो muscles present होती हैं. One is the psoas muscle and other is the quadratus lumborum. Quadratus lumborum and
श्वास मेजर मसल, ठीक है। तो एक तो होता है क्वाड्रेटस लंबोरम, जो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ और द टेंडन ऑफ क्वाड्रेटस लंबोरम, एंड मीडियल आर्कुएट लिगामेंट इज ए टेंडन ऑफ श्वास मेजर। ये दोनों एमसीक्यू के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वाड्रेटस लंबोरम एंड श्वास मेजर मसल, तो तीनों लिगामेंट हो गए, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट एंड मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। क्लियर है? तो दिस इज द ओरिजिन इंसर्शन टेंडन एंड कूराज ऑफ डायफ्राम, ठीक है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें। दिस इज द सेपरेट पिक्चर ऑफ द क्रस L1 L2 में, लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम L1 L2 L3 तक, राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम। दिस इज द मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, दिस इज द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट एंड दिस इज द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। आगे समझ में आपको क्लियर है? और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द डायफ्राम? मेनली इट हेल्प्स इन टू इंस्पिरेशन, ठीक है, एंड ब्रीदिंग प्रोसेस, एंड इट इन्वॉल्व इन टू नॉन रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। क्या क्या होंगे इसमें? वोमिटिंग में हेल्प करता है, एक्सपल द फीसिस, यूरिन, प्रिवेंटिव प्रिवेंटिंग द एसिड रिफ्लैक्स बाय एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन द इसोफेगस। नाउ ये मैंने बताई दिया आपको, एक्सटर्नल पार्ट जीपोर प्रोसेस, कोस्टल पार्ट फ्रॉम द इनर सर्फेस ऑफ द कार्टिलेज एंड द एडजेसेंट पोर्शन ऑफ द लोअर सिक्स रिब ऑन द आइदर साइड इंटर डिजिटेटिंग विद द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। दिस इज मसल्स ऑफ एब्डोमिन। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल होती है, इंटरनल ओब्लिक मसल होती है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, दीज आर द मसल्स ऑफ द एब्डोमिन। एंड थर्ड इज द लंबार पार्ट, द एपोनोटिक आर्च नेम द लंबो कोस्टल आर्चेस एंड फ्रॉम द लंबार वर्टिब्री बाई टू पिलर ऑफ द क्रूराज। मैंने बताया आपको राइट क्रूरा एंड लेफ्ट क्रूरा, ठीक है, राइट एक्सटेंड अप टू द L3 एंड लेफ्ट एक्सटेंड अप टू L2। नाउ यू कैन सी द अनदर पिक्चर, दिस इज द, ये क्या है, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, दिस इज द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। अब समझ में आ जाएगा आपको, मीडियल इज ओरिजिनेट फ्रॉम द श्वास मेजर मसल एंड लेटरल क्वाड्रेटस लंबोरम एंड दिस इज द मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, दिस द राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम, दिस द लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम। All the ligaments, lateral arcuate ligament, medial arcuate ligament. You can see the clear picture. Lateral arcuate ligament is the medial arcuate ligament. Right crest, left crest of the diaphragm. And this is the central tendon. This is triangular in shape. This is the X-ray of the diaphragm or the chest X-ray. These are the two domes, right dome and left dome of the diaphragm, and this is the central part which is covered by the fibrous pericardium. Now these are the openings of the diaphragm. This is very important question. Opening of diaphragm. ये मैंने आपको पहले भी शायद बताया था किसी क्लास में. Openings of diaphragm. फर्स्ट ओपनिंग, दिस इज द वेंट्रल पार्ट, मिडिल पार्ट एंड डोर्सल एस्पेक्ट। दीज आर द थ्री ओपनिंग। फर्स्ट इज, दिस इज द वेना केवल ओपनिंग। कौन सी है ये? वेना केवल मीन्स
कौन सी वेना केवा आएगी यहाँ पे, इन्फीरियर वेना केवा, लास्ट बेंच। नहीं सुधरोगे आप लोग, है ना, दिस इज द वेना केवल ओपनिंग, दिस इज द रेड कलर aortic opening and this is the esophageal opening. इसकी एक ट्रिक है, वॉइस ऑफ अमेरिका, वी ओ ए, वी ध्यान से सुनना इसको, वी ओ ए, वी से वेना केवल ओपनिंग, ओ से esophageal opening एंड ए से आएगा ये मोबाइल क्या चला रहा भाई तू सेकंड लास्ट। हाँ खड़ा हो इधर, आजा आगे आजा, मेरे पास है यहाँ पे, आ गया बोलना उसको, वाइट शर्ट लास्ट में, हाँ हाँ जो मोबाइल चला रहा है, इधर आजा मेरे पास में, वी ओ ए, कीप क्वाइट, वेना केवल ओपनिंग, इधर नहीं नहीं यहाँ यहाँ खड़ा हो जा, वी ओ ए, वी मीन्स वेना केवल ओपनिंग, इसोफेजियल ओपनिंग एंड ए से एओर्टिक ओपनिंग। वी जो होता है वो होता है एट द लेवल ऑफ टी एट, ये इंपॉर्टेंट है, टी एट, इसोफेजियल जो होता है वो होता है टी टेन पे, ठीक है, और जो आयोटा होता है वो टी ट्वेल्व पे होता है। ये 100% सेमेस्टर में आपके एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन, देख लेना मैं बता रहा हूँ आपको। बी से आता है वेना केवा एट द लेवल ऑफ टी टेन, सॉरी टी एट, इसोफेगस एट द लेवल ऑफ द टी टेन एंड आयोटा एट द लेवल ऑफ द टी ट्वेल्व वर्टिब्री। ये वर्टिब्रल लेवल पूछते हैं, थोरेसिक 12, थोरेसिक 10 एंड थोरेसिक 8 vertebrae, ठीक है, तो दिस इज एट द लेवल ऑफ द टी एट, टी टेन एंड टी ट्वेल्व। aortic hiatus, दिस इज नोन एज aortic hiatus, दिस इज द वेना केवल hiatus एंड दिस इज द esophageal hiatus, विच पियर्स द डायफ्राम स्ट्रक्चर, विच पियर्स द डायफ्राम। Now, these are the different level of the vertebrae. T8, at the level of the T8, this is the T8 vertebrae, T10 and T12. Then, अब देखना इसको, this is the aorta, at the level of T12, this is the esophagus, at the level of T10, and finally this is the vena cava at the level of T8. T8 पे है ये, between the T8 and T9, but आपको ideally T8 लगाना है इसमें, ठीक है ना, option T8 होगा इसमें, ठीक है, clear है, T8, T10 and T12. दे रहे हैं, दिस इज द फ्रेनिक नर्व विच इज अराइज फ्रॉम सर्वाइकल प्लेक्सस, इसकी रूट वैल्यू होती है 2-3, 2-4 एंड 3-5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यू, 3-3, 3-4 एंड 3-5। देन नाउ सपोज द डायफ्राम इज फ्रेनिक नर्व, the phrenic nerve originates from the cervical plexus and run downward and the neck behind the carotid sheath and it enter into the thoracic cavity in the superior mediastinum, after that it cross the mediastinum to the diaphragm and supply all the diaphragmatic fibers on that side, right side ka to right side mein karega, left side ka to left side mein karega, and it
ऑल्सो सप्लाई देयर डायफ्राम सेंसरी और मोटर, मिक्स टाइप की होती है, सेंसरी भी होती है मोटर भी होती है। जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द टेंडन होता है, जो मतलब डायफ्राम होता है सेंट्रल टेंडन, उसको सेंसरी सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व। अदर पार्ट जो होता है उसका, उसको मोटर सप्लाई करती है। जो क्रेस्ट ऑफ द डायफ्राम होता है, डोम ऑफ द डायफ्राम, उनको क्या करेगी, मोटर सप्लाई करेगी। वो जो सेंट्रल टेंडन होता है उसको सेंसरी सप्लाई। रूट वैल्यू इज C3, C4 एंड C5। एंड द फ्रेनिक नर्व्स प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन टू द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, प्लूरा एंड पेरिटोनियम। ये भी आपको ध्यान रखना है। द सेंसरी इनर्वेशन प्लूरा पेरिटोनियम एंड सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम, एंड जो मेन पार्ट ऑफ द डायफ्राम इज सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व और द मोटर पार्ट ऑफ द फ्रेनिक नर्व। क्लियर है? तो नर्व सप्लाई ऑफ द डायफ्राम इज फ्रेनिक, सेंसरी भी और मोटर भी। नाउ द आर्टेरियल सप्लाई, द सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। द सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ थोरेसिक एरेटा बिकॉज इट प्रेजेंट इन टू द थोरेक्स। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी फ्रॉम द एब्डोमिनल एरेटा, ये एब्डोमिनल एरेटा की ब्रांच है। मस्कुलो फ्रेनिक आर्टरी अराइज फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ऑल्सो फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, एंड लोअर पाइप इंटरकोस्टल एंड सबकोस्टल आर्टरीज अराइज फ्रॉम द एब्डोमिनल एरेटा और द एरेटा। नाउ द अप्लाइड फर्स्ट इज द डायफ्रैगमेटिक पैरालिसिस। कैसे होगा डायफ्रैगमेटिक पैरालिसिस? ड्यू टू द इंजरी ऑफ फ्रेनिक नर्व। ठीक है, वन साइड भी हो सकता है और डबल साइड। अगर सिंगल साइड होगा तो सेम साइड, मतलब इप्सिलैटरल पैरालिसिस। ठीक है, यूनिलैटरल डैमेज ऑफ द फ्रेनिक नर्व लीड टू यूनिलैटरल डायफ्रैगमेटिक पैरालिसिस, एंड द बायलेटरल डैमेज ऑफ द फ्रेनिक नर्व कॉज बायलेटरल पैरालिसिस एंड इट मे कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर। डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। हिकअप, हिचकी आती है ना अपने को, वो इरिटेशन ऑफ द डायफ्राम की वजह से होता है। ठीक है, फ्रेनिक नर्व ड्यू टू द इनवॉलंटरी स्पास्म बॉडी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डायफ्राम अकम्पेन्ड बाय द क्लोजर ऑफ द ग्लोटिस। इट इज नॉर्मली अकर आफ्टर ईटिंग और द ड्रिंकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन। और डायफ्रैगमेटिक हर्निया कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड होता है, दो तरह का होता है। हर्निया क्या होता है? व्हाट इज द हर्निया? इट इज द आउटवर्ड बल्जिंग ऑफ द इंटेस्टाइन और द एब्डोमिनल पार्ट। ठीक है, तो डायफ्रैगमेटिक हर्निया में क्या होगा, इंटेस्टाइन का या कुछ एब्डोमिन का पार्ट जो होता है आउटवर्ड बल्जिंग होता है, दिस इज नोन एज डायफ्रैगमेटिक हर्निया ड्यू टू द वीकनेस ऑफ डायफ्रैगमेटिक मसल्स। इट इज कंजेनाइटल विच इज द पोस्टीरियर लेटरल हर्निया, रिट्रोस्टर्नल हर्निया एंड पैराइसोफिजियल। पैराइसोफिजियल मीन द आउटवर्ड प्रोट्रूजन ऑफ स्टमक टुवर्ड द इसोफेगस। ठीक है, रिट्रोस्टर्नल बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है, पोस्टीरियर लेटरल मीन पोस्टीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्टर्नम। देन एक्वायर्ड इज ट्रोमेटिक एंड हाइटल। ट्रोमेटिक मीन्स ड्यू टू द इंजरी ऑफ द डायफ्राम। एंड वन इज द हाइटल हर्निया, इट इज द मोस्ट कॉमन डायफ्रामेटिक हर्निया। The gastroesophageal junction and the cardiac end of the stomach is covered by the peritoneum, and it occur due to the weakness of the diaphragmatic muscles surrounding the esophageal opening and increase the intra-abdominal pressure. ठीक है, मतलब किसी भी रीजन से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर बढ़ रहा है उसका, तो आउटवर्ड प्रोट्रूजन ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, स्टमक का कुछ पार्ट जो होता है वो थोरेसिक रीजन में बल्ज आउट करेगा। सो दिस इज नोन एज हाइटल, और दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लाइडिंग हर्निया।
ठीक है ना, ये हर्निया इंपॉर्टेंट है इसके लिए, पाइटल हर्निया और द स्लाइडिंग हर्निया। क्लियर है? तो ये था डायफ्राम। एनी डाउट? आपको समझ में आया कुछ? ओरिजिन है इसका, इंसर्शन है, नवा सप्लाई के ओपनिंग VOA, ठीक है? एनी डाउट?